शालीन बार बार पूछ रहा था, बता 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 क्या दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कैसे दिख रहा है। मुझे अगर सजेशंस की ज़रूरत इतना ही है तो मैं यही बोलूँगी कि मत कर, तू बेवकूफ़ दिख रहा है, उल्लू दिख रहा है। टीना को लग गया कि घर में कोई रोमांटिक एंगल नहीं चल रहा है, कोई केमिस्ट्री नहीं है, तो ये फेक या कन्फ्यूज्ड आई वुड से रोमांटिक ट्रैक चला के शायद वो आगे तक जा सकती है, और जो जा भी रही है। टॉप 3 कंटेस्टेंट प्रियंका, शिव, साजिद जी। बाद में जब आंटी से मुझे वाइब्स जो मिली वो काफ़ी कोल्ड था, तो शायद मैं भी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं फील कर रही थी उनके साथ मैं बैठूं, क्योंकि वो बिल्कुल कोल्ड थी। जर्नी बहुत ही खूबसूरत रही एक्चुअली। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और बहुत अपने आप को लकी कंसिडर करती हूँ कि मुझे दोबारा से मौका मिला। पहली बार जब मैं निकल गई थी तो कहीं ना एक वो आस होती है कि यार मैं पूरी अधूरी रह गई मेरी जर्नी, काश मैं वापस से अंदर जा सकती हूँ, क्योंकि मेरा दिल और दिमाग कहीं ना कहीं वहाँ पे था और शरीर से मैं बाहर थी। और जब मुझे कई हफ्तों बाद वापस से वो मौका मिला तो मैं बहुत खुश हुई, और इस बार जर्नी मैं कंप्लीट तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि फिनिशिंग लाइन तक आप जब तक ना पहुँचे तब तक कंप्लीट नहीं होता है कोई भी चीज़। बट आई एम हैप्पी that I was a part of it, और लोगों को जो लोग घर के अंदर है contestants उनको जानने का और ज़्यादा मौका मिला, और लोगों के दिल तक पहुँचने का जो audience है हमारे उसका भी मौका मिला। मैं एक्चुअली ऑनेस्टली कहूँ तो मैं ऐसी ही हूँ। सेकेंड टाइम भी गई तो लोगों ने मुझे पूछा वापस से कि क्या स्ट्रैटेजी बना के आई है, तो मैं स्ट्रैटेजी में बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे लगता है आए दिन हर एक दिन नया है, और वो दिन में जो सिचुएशंस आते हैं आपकी लाइफ में उस टाइम पे आप उस सिचुएशन को डील करो और आगे बढ़ जाओ। मुझे जो गलत लगेगा मैं वो बोलूँगी ज़िंदगी में भी और गेम के अंदर भी मैंने बोला है, और जो सही लगेगा तो मैं सही का साथ दूँगी। तो इसलिए हर वक्त अगर छोटे छोटे भी मुद्दा हो रहा है तो मैं उसमें कूदूँगी नहीं, या मतलब अपना वो चिल्लाने नहीं लगूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये शायद दो लोग भी बात करके सॉल्व आउट कर सकते हैं और ये इतना भी गलत नहीं कुछ बोल रहा है, और जो मुझे गलत लगेगा उसमें मैं ज़रूर कहूँगी। मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने शालीन को समझाने की कोशिश की, जब मैं घर में गई भी थी मैं शालीन को समझ, क्योंकि शालीन बार बार पूछ रहा था बता 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 क्या दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कैसे दिख रहा है। तब मैंने उसको बोला था तुझे अगर सजेशंस की ज़रूरत इतना ही है तो मैं यही बोलूँगी कि मत कर, तू बेवकूफ़ दिख रहा है, उल्लू दिख रहा है। पर वो तब समझा नहीं, बाद में जब सलमान सर ने समझाया शायद अभी वो समझ जाएगा, समझ रहा है। हाँ, मुझे तो स्टार्ट से ही लगता है कि टीना को लग गया कि घर में कोई रोमांटिक एंगल नहीं चल रहा है, कोई केमिस्ट्री नहीं है, तो ये फेक या कन्फ्यूज्ड आई वुड से रोमांटिक ट्रैक चला के शायद वो आगे तक जा सकती है, और जो जा भी रही है क्योंकि और बाकी कोई रोमांटिक एंगल्स नहीं है घर के अंदर। शालीन की तरफ से मुझे लगता है कहीं ना कहीं ही हैज़ सॉफ्ट कॉर्नर्स फॉर टीना। एग्जैक्टली नहीं, सलमान सर ने लास्ट वीकेंड के वार पे शालीन को बहुत समझाने की कोशिश की कि तू बेवकूफ़ दिख रहा है, तू गधा है, और तेरा इस्तेमाल किए जा रहा है, टीना तुझे कन्फ्यूज़ कर रहा है, सॉरी टीना तुझे कंफ्यूज कर रही है। तो उस वीकेंड के बाद से ही शालीन को कहीं ना कहीं थोड़ा कन्फ्यूजन्स हो रहा है। बट मैं ये भी बोलूँगी कि शालीन भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, क्योंकि वो भी कोई 5-10 साल का बच्चा नहीं है। उसने अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस किया होगा, तो इतना टाइम उसको भी क्यों लग गया ये चीज़ को समझने में। सो आई वुड से द फॉल्ट इज़ बोथ वेज। मैं यही कहना चाहूँगी कि घर में ज़्यादातर लोग स्टैंड नहीं लेते हैं जब टाइम आता है, जब मौका आता है। जब मैंने वो लाइन सुनी अर्चना जब बोल रही थी, बोल के चली गई, तो स्टैन ने सबसे पहले बोला अरे गाली दिया गाली दिया गाली दिया। तब मैंने बोला गाली दिया ना, और फिर मैंने वो लाइन जो अर्चना बोल के चली गई वो लाइन को रिपीट किया। तो अगर वो आपके गाने का लाइन है तो आपको तो पता ही होगा क्योंकि आपने ही वो गाना गाया है, तो उस वक्त आपने मुझे ये क्यों नहीं बोला अरे अरे मत बोल ये गलत चीज़ है, ये तो मेरे गाने का लाइन है।
तो आप पहले बोलते हो अरे गाली दिया, लड़की ने गाली दी, और फिर जब मैंने बोला तूने भी सुना ना गाली दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैंने उनके स्टैन के गाने कभी नहीं मैं सुनी हूँ, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ रैप, बट आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट कि ही हैज़ डन अमेजिंग नंबर ऑफ रैप्स इन हिज लाइफ, बट मुझे नहीं पता था कि वो उसके गाने का लाइन है और अर्चना उसके गाने की लाइन को बोल रही है. पर अगर मेरा कोई गाना है जिसको मैंने गाया है और वो शायद अश्लील साउंड करे और कोई उस लाइन को रिपीट करे और उसका कुछ गलत मतलब निकल सकता है बाहर, तो मैं तुरंत रोक दूंगी, अरे वो तो मेरे ही गाने का लाइन है, रहने दे, ये कोई गाली नहीं है. वो मुझे कुछ समझ नहीं आया. शालिन की मम्मी इज़ वेरी ग्रेसफुल, वेरी स्वीट वूमन. टीना की मम्मी इज़ ऑल्सो एन अमेजिंग वूमन. आंटी के साथ मेरा 10 साल का रिश्ता है, पर घर के अंदर जब आंटी गई मुझे बहुत पहला हक तो ऐसा था कि इतना ज़्यादा ममता भरा हुआ, और मैं अपनी मम्मी के साथ टीना की मम्मी को काफ़ी रिलेट कर पाती हूँ क्योंकि वो दोनों काफ़ी क्लोज फ्रेंड है. और जब वो ममता से उन्होंने मुझे हग किया तो मुझे एकदम से फील हुआ और मुझे आंसू भी आ गया. पर बाद में जब आंटी से मुझे वाइब्स जो मिली वो काफ़ी कोल्ड था, तो शायद मैं भी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं फील कर रही थी उनके साथ मैं बैठूँ, क्योंकि वो बिल्कुल कोल्ड थी. और मेरा यही कहना है कि अगर आप वहाँ से निकलने के बाद मीडिया से इतना सवाल जवाब किया, आपने मीडिया को इतना कुछ बोला, आपको इतना कुछ सवाल है मेरे से, तो वहाँ पे आपने क्यों नहीं पूछा, वहाँ पे आपने एक बार भी क्यों मुझे कन्फ्रंट नहीं किया, वहाँ पे मुझसे क्यों नहीं बोला कि श्रीजिता तूने ये चीज़, अगर आप सचमुच ये 10 साल का जो हमारा रिश्ता है, जो वो मुझे 10 साल से जानती है, और उन्होंने घर के अंदर ये कहा भी कि मैंने गलती से टीना समझ के श्रीजिता को हक कर लिया, तो क्या हुआ, वो भी तो एक बेटी है. तो अगर आप बेटी ही समझती है तो आप पूछ सकती थी कि बेटा तूने ये बोला मुझे अच्छा नहीं लगा, तूने ये क्यों बोला. बाद में निकलने के बाद आप मीडिया से सवाल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाँ मुझे श्रीजिता से जवाब चाहिए, डेफिनेटली आपको जवाब मिलेगा. और पर मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप मेरे लिए अभी भी काकी माँ हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ. पेरेंट्स को बुरा लगता है, टीना ने भी मेरे बारे में बहुत कुछ कहा है जिसकी वजह से मेरी मम्मी को भी बहुत बुरा लगा है, पर पेरेंट्स को इन सब चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ, बट मुझे इसलिए लगता है क्योंकि हम कंटेस्टेंट्स हैं, घर के अंदर माहौल अलग अलग समय में परिस्थितियाँ अलग अलग होती है, उस टाइम पर एक दूसरे को बहुत सारी गलत चीज़ें शायद हम कह जाते हैं, बोल जाते हैं, जो एकदम बॉर्डर लाइन में होता है. वो स्टैन अर्चना के साथ भी हुआ है, अर्चना शालीन स्टैन के साथ भी हुआ है, अर्चना शिव के साथ भी हुआ है. बट कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ये सारी चीज़ों से जायज़ है कि बुरा लगेगा, पर फिर भी उनको अपने आप को दूर रखना चाहिए, क्योंकि घर के अंदर की परिस्थितियाँ सिर्फ हम ही समझ सकते हैं. फिर भी अगर आपको बुरा लगा, आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट, मुझे जाय सी बात है कि आपको बुरा लगा, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, एंड आई वुड हैव अप्रिशिएटेड काकी माँ, अगर आपने घर के अंदर मुझसे पूछा होता या बोला होता कि श्रीजिता तूने आप मेरी बेटी के बारे में ऐसा बोला और मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये भी बोल रही थी कि तो क्या हुआ, मैं टीना समझ के हक किया, पर वो भी तो मेरी बेटी जैसी है, तो अगर बेटी जैसी है तो आपको पूछना चाहिए था, बाद में मीडिया से नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि मीडिया के पास इन सब सवालों का जवाब नहीं होगा, क्योंकि मीडिया ने ये बातें नहीं कही है बिग बॉस के घर के अंदर, श्रीजिता ने कही है, तो द राइट पर्सन शुड बी श्रीजिता. टॉप 3 कंटेस्टेंट प्रियंका, शिव, साजिद जी. फेक तो नहीं है, रियल है, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है सौंदर्य उसके शैडो के पीछे एकदम छुप रही है, दब रही है, दिख नहीं रही है. और ठीक है, आप फ्रेंडशिप रख सकते हो, बट इट्स नॉट अ शो अबाउट फ्रेंडशिप. आपकी पर्सनालिटी, आपकी इंडिविजुअलिटी कहाँ है? इट्स ऑल्सो अ शो अबाउट पर्सनालिटी, इंडिविजुअलिटी, आप कैसे चीज़ों को हैंडल करोगे, कैसे चीज़ों के बारे में सोचते हो, तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं दिख रहा है सौंदर्य का. ओ बहुत ज़्यादा, और माइकल को देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, और मुझे जिस दिन माइकल आए घर के अंदर उस दिन मुझे लगा कि सच में एक दिन के अंदर मैंने बिग बॉस की पूरी जर्नी जी लिया उसके साथ.